एक और जहां कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की सावधानियां बरती जा रही है, कब कहां कैसे कोरोना की चपेट में आ जाए इस बात को लेकर लोगों में खासा डर बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर झोला छाप डॉक्टर भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आए हैं। आए दिन खबरें सुनने को मिलती है कि झोला छाप डॉक्टर की वजह से किसी मरीज की जान चली गई, तो वहीं कुछ झोला छाप डॉक्टर अब कोरोना वायरस का इलाज करने लगे हैं। ऐसे में लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है, लेकिन इन झोला छाप डॉक्टरों को इससे कोई परवाह नहीं, ने केवल अपनी जेब गर्म करने से मतलब है। बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों को ग्लूकोज की बोतल लगाना तो दूर इंजेक्शन लगाने की भी इजाजत नहीं होती, लेकिन राजधानी में कुछ झोला छाप डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने आप को किसी MBBS से कम नहीं समझते, जिसके चलते IDP24 न्यूज ने ऐसे डॉक्टरों की पड़ताल शुरू की और इसी कड़ी में लाखे नगर स्थित तिवारी दवाखाना में डॉक्टर से चर्चा करने पहुंचे। लेकिन मीडिया को देखते ही डॉक्टर लक्ष्मीकांत तिवारी ने तो पहले रोड में ही सवाल जवाब शुरू कर दिए, फिर केबिन के अंदर ले जाकर पहले सामान्य तरीके से बात की, इसके बाद पता नहीं अचानक इन डॉक्टर साहब को क्या हुआ कि वह उन्होंने मीडिया कर्मी को ही फर्जी कहते हुए उन्हें केबिन से बाहर भगा दिया। लेकिन आखिर इस डॉक्टर को किस बात से इतना डर लगा, आखिर क्यों यह मीडिया को देखकर इतना घबरा गए कि अपनी बौखलाहट ना छुपाए पाए, यह बात समझ से परे है। लेकिन बहुत जल्द इस डॉक्टर से जुड़े कई अहम मुद्दों से IDP24 न्यूज जल्द ही पर्दा उठाएगी। आपका डिग्री कौन सी? हाँ, सब दिखा दूँ आपको, पूरा कॉपी दे दूंगा। नहीं, आप कौन सी डिग्री अभी? मैं रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, मैं BAMS वाला हूँ। BAMS को 1230 का है मेरा। नहीं तो सुनिए ना, BAMS को क्लिनिक संचालित करने का अथॉराइज्ड शासन द्वारा है क्या? हाँ, देता है ना। देता है, इसी से मैं एक तो बाइट दे दीजिए, उसके बाद देखते हैं। कोरोना से संबंधित है कि मैं जो क्लिनिक चला रहा हूँ उससे संबंधित। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट आलोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज, और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।